Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, today we are going to learn how to print a table in Python, not by user. So, आज हम सीखेंगे कि बिना user के input लिए हम कोई table कैसे print करा सकते हैं Python के अंदर. चलिए वीडियो को start करते हैं. सबसे पहले अपना Python का IDE open कर लीजिए आप. तो ये मेरा Python का IDE है, इसको मैं open कर लेता हूँ. अगर आपके पास install नहीं है तो आप install ज़रूर कर लें, गूगल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड के लिए अवेलेबल है ये. न्यू फाइल पे जाइए, आप कंट्रोल प्लस एन भी चूज कर सकते हैं न्यू फाइल के लिए. इसके बाद आपको कुछ टाइप करना है. जैसे आप सी लैंग्वेज करते थे तो सी लैंग्वेज में कोडिंग का हिसाब किताब अलग था, यहाँ पर बिल्कुल अलग है, बहुत ही आसान है. यहाँ पर डायरेक्ट हम लगाएंगे फॉर लूप. क्यों फॉर लूप लगाएंगे? क्योंकि हमें लूप चलाना है 1 से लेकर 10 तक. यानी कि कोई भी अगर हमें टेबल प्रिंट करानी है, जैसे सपोज कीजिए 2 का टेबल प्रिंट कराना है तो 2 × 1 = 2, ऐसे हमें प्रिंट कराना है. ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं. और अब इसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है वो वेरिएबल जिसके अंदर हम ये लूप चलाएंगे. तो आई मैं टाइप करता हूँ. इसके बाद हमें रेंज फंक्शन टाइप करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेंज. ठीक है, और रेंज लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको 1 से लेकर 11 तक चलाएंगे. 11 तक क्यों चलाएंगे? आपके मन में ये भी डाउट जरूर आ रहा होगा कि क्यों 11 तक हम क्यों चला रहे हैं इसको. तो पाइथन का कुछ हिसाब किताब ऐसा है कि ये जो 1 है इसको इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, और ये जो 11 है इसको एक्सक्लूड कर देता है. तो यानी कि अगर आप 1 से 11 तक चलाते हो तो यहाँ पर कोलन लगा लीजिएगा. आप कोलन लगाने के बाद आप नीचे आइए, नीचे आइएगा तो यहाँ पर अब प्रिंट करवाना है हमें. क्या जो भी प्रिंट करवाना है ये प्रिंट के अंदर लिखेंगे हम. ठीक है, सबसे पहले हमें जिस भी चीज़ का टेबल प्रिंट कराना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 3 का टेबल प्रिंट कराना है, यहाँ लिख दिया मैंने 3. इसके बाद हमें देना है कॉमा. ठीक है, अब चूंकि हमें क्या दिखना चाहिए स्क्रीन पे, हमें दिखना चाहिए इनटू का साइन, 3 × 1 = 3, ऐसे दिखना चाहिए. तो ये इनटू के साइन के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्स. ठीक है, ये एक्स लिखने से क्या होगा, ये एक्स लिखने से इनटू का साइन बनेगा. तो इसको डबल इंटेड कॉमा में लिख दीजिए आप एक्स. ठीक है, ये इनटू का साइन है. अब इसको डबल नोटेड कॉमा में लिखने से क्या होगा, ये सिर्फ एक्स लिख करके आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा. ठीक है, सिर्फ वो लिख करके हर बार प्रिंट होकर आ जाएगा. और इसको यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कराइए, और आई की वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद आपको क्या करना है, इंटू थ्री कर देना है. चूंकि हम 3 का टेबल प्रिंट करा रहे हैं, अगर 5 का टेबल प्रिंट कराते तो यहाँ 5 कर देते हम. इसको क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद अब आपको इसको सेव करना है. तो यहाँ से आइए सेव करते हैं इसको और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं. तो ये चूंकि 3 का टेबल है, मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ. .py लिखना मत भूलिएगा, ये एक्सटेंशन होता है पाइथन का. इंटर प्रेस कीजिए और ये आपका प्रोग्राम बन करके तैयार है. यहाँ रन पे क्लिक कीजिए, रन मॉड्यूल. और यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है, रेंज फंक्शन में एरर है. यहाँ पे रेंज में क्या एरर है, यहाँ पे इन छूट गया है. ठीक है, फॉर के बाद यहाँ इन भी होता है. और अब ये तैयार है हमारा बन करके, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये रन पे क्लिक कर दीजिए. बस आपका काम हो चुका है. यहाँ पे देखिए 3 का टेबल प्रिंट होकर आ रहा है. सपोज कीजिए आपको 4 का टेबल प्रिंट कराना हो तो आपको क्या करना होगा, मैं इसे क्लोज करता हूँ. आपको यहाँ पे लिखना होगा 4. ठीक है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए और यहाँ पे 4 लिख दीजिए, तो ये 4 का टेबल प्रिंट करेगा. अब आप इसको सेव कर लीजिए पहले. ठीक है, अब इसको रन करवाइए. तो यहाँ पे देखिए 4 का टेबल प्रिंट होकर आ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा. आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको. और अब हम बात करेंगे कि ये यहाँ पर तो हमने ये लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ है और यहाँ 11 लिखा हुआ है, इसे मैं 10 कर दूँ तो क्या होगा, आइए इसको समझते हैं. अगर मैं यहाँ 10 करता हूँ तो क्या होगा, इसको मैं सेव करता हूँ. अब यहाँ पर इसको रन करवाता हूँ. तो यहाँ पे देखिए टेबल जो है कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही प्रिंट हो रहा है. 1 को तो वो इंक्लूड कर ले रहा है, लेकिन लास्ट में जो 10 आप हमने 10 टाइम चलाना है लूप, जो 10 टाइम वाला लूप हम चला रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर दे रहा है, हटा दे रहा है ये. इसी वजह से यहाँ पे 11 लिखना ज़रूरी है. सो ये बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको फ्री में पाइथन सीखने का मौका मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.